कौमी सलामती कमेटी इजलास के एलामिये में साजिश का लफ्ज शामिल नहीं है। तो आज पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, तो अब जो सियासी हालात हैं वो आपके सम्प में जाते देख रहे हैं, बैरूनी ताकतों ने उनको हटाया और वो कहते हैं पैसा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो अब आप हालात को किस तरफ जाता देख रहे हैं? जी ISPR ने कहा है कि जी कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का लफ्ज शामिल नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बयान के बाद इमरान खान के बयान को फर्क पड़ेगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर वन प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। ये कहानी है एक बेस्ट पिस्टल शूटर की जो कि हंगेरियन आर्मी में था और वो उस मुल्क का बेस्ट पिस्टल शूटर था। अच्छा, उस मुल्क में जितनी भी नेशनल चैम्पियनशिप होती थी वो सारी जीत चुका था। अच्छा, सबको इस बात का भी इल्म था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल इसी को मिलेगा और उसने सालों से ट्रेनिंग भी की हुई थी, बड़ी मेहनत की थी और उसका एक ही ख्वाब था, एक ही फोकस समझ लें कि जी मुझे अपने हाथ को दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और वो उसमें कामयाब हो भी चुका था, बस 2 साल का इंतज़ार था जहां वो साबित कर देता कि उसका दायां हाथ दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड है। अच्छा, एक दिन एक हादसा हो गया जब उसके हाथ में, जिससे उसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें हैंड ग्रेनेड फट गया और यूं उसका हाथ ज़ाया हो गया। जो उसका ख्वाब था, फोकस था, सब ख़त्म हो गया। अच्छा, अब उसके पास 2 रास्ते थे। एक ये कि वो बाकी की सारी ज़िंदगी रोता रहता कि ये क्या हो गया, कहीं जाकर छुप जाता, हिम्मत हार जाता, या फिर अपना जो मकसद था जिस पर उसने फोकस किया, इतनी मेहनत की, उसी के साथ बंधा रहता। 2 रास्ते। अच्छा, उसने क्या किया जी, उसने हिम्मत हारने के बजाय दूसरे रास्ते का इंतखाब किया, यानी अपने मकसद पर दोबारा फोकस किया। अब उसके पास एक बायां हाथ ही बचा था जिससे वो ठीक से लिख भी नहीं सकता था, लेकिन उसने बाएं हाथ से ट्रेनिंग शुरू कर दी और ट्रेनिंग के 1 साल बाद वो वापस आया। हंगरी में नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी, वहाँ और भी बहुत सारे शूटर्स थे, सब ने जाकर उसे उसके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर मुबारकबाद दी। अच्छा, किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि वो बाएं हाथ से 1 साल की ट्रेनिंग करके आया। अच्छा, उसने तसल्लियां देने वालों को जवाब देते हुए कहा कि मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारा मुकाबला करने आया हूँ, तैयार हो जाओ। अच्छा, वहाँ जितने भी शूटर थे वो सब मुकाबला कर रहे थे, लेकिन एक बाजू खो जाने के बाद भी जीत उसी के हाथ आई, क्योंकि उसने हिम्मत ना हारने का मुकम्मल इरादा किया हुआ था। लेकिन वो यहाँ पर रुका नहीं, अब उसका मकसद क्लियर था कि मैंने अपना ये बायां हाथ दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस अगली होने वाली ओलंपिक्स पर रखा। अच्छा, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से वो जो ओलंपिक्स थी वो कैंसिल हो गई, फिर उसने अपना सारा फोकस उठाकर अगली होने वाली ओलंपिक्स पर लगा दिया, लेकिन ये ओलंपिक्स भी आलमी जंग की वजह से कैंसिल हो गई। फिर उसने अपना सारा फोकस, बड़ी मुश्किल बात है वैसे, अब भी उसने दोबारा फोकस जो था वो उससे अगली वाली ओलंपिक्स पर रखा। जब वो ओलंपिक्स के लिए आया तो उसकी उम्र उस वक्त जाहिर बात है बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और उस उम्र में दुनिया के जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनसे मुकाबला करना यकीनी तौर पर मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का लफ्ज़ चूँकि उस बंदे की डिक्शनरी में था ही नहीं, वो ओलंपिक्स में गया, पूरी दुनिया के बेस्ट शूटर्स अपने बेस्ट हैंड से मुकाबला कर रहे थे और ये सिर्फ अपने एक हाथ से मुकाबला कर रहा था, और उसने लगन के साथ उस ओलंपिक्स में फतह का झंडा लहरा दिया। फिर यूँ उसकी फतह का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब कहानी बयान करने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी हारने वाले के पास चले जाएँ ना, तो उसके पास 1000 बहानों की लिस्ट होगी कि मैं ज़िंदगी में इसलिए फ़ेल हो गया, इसलिए फ़ेल हो गया, इसलिए फ़ेल हो गया। मुत्तहिदा हुकूमत को भी यही लगता है कि इमरान खान हार चुके हैं, फ़ेल हो चुके हैं, और वो अपनी हार को छुपाने के लिए मुख्तलिफ बहानों का सहारा ले रहे हैं, जबकि इमरान खान ये कहते हैं कि वो हारे हैं ही नहीं, बल्कि वो आखिरी गेंद तक मुखालिफिन का मुकाबला करते रहेंगे। लेकिन मुत्तहिदा हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बढ़ता तनाव है उसकी वजह से पर सवाल उठाए गए हैं, जिनके जवाब DG ISPR ने देकर आज उनकी मेरे ख्याल से खुलकर वजाहत कर दी है। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने, DG ISPR फ़ौज के खिलाफ दुश्मन मुल्क की जानिब से किए गए प्रोपोगंडे का जवाब दे रहे हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज ने अमरीकी साजिश के सवाल पर जवाब देते हुए कहा है कि कौमी सलामती कमेटी इजलास के एलामिये में साजिश का लफ्ज़ शामिल नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग में DG ISPR ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी में बहस के नुकात पर बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इजलास के एलामिये में साजिश का लफ्ज़ शामिल नहीं है।
अच्छा डी जी आई एस पी आर ने बीबीसी की स्टोरी से मुतालिक बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म हाउस में आर्मी चीफ और डी जी आई एस आई की उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। इस हवाले से जो सब बातें हैं वो बिल्कुल झूठ हैं। बीबीसी ने बहुत ही वाहियात स्टोरी शाया की। इससे बड़ा झूठ किसी इंटरनेशनल लीडिंग एजेंसी की तरफ से नहीं बोला जा सकता। ये एक मुकम्मल मनगढ़ंत स्टोरी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट वाले बयान पर बात करते हुए कहा कि इस हवाले से फ़ौज और इमरान खान एक पेज पर थे और किसी ने हमसे अड्डे नहीं मांगे, लेकिन अगर फ़ौज से भी अड्डे मांगे जाते तो फ़ौज का जवाब भी यही होता जो इमरान खान का जवाब था। अच्छा, एक सवाल के जवाब में मेजर जनरल बाबर इफ्तखार का कहना था कि पार्लियामेंट हाउस में सदर के चैम्बर में दो आला अफसरान की मुलाकात से मुतालिक मुझे कोई इल्म नहीं है, इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया था। अच्छा, डी जी आई एस पी आर ने मज़ीद बातों की वजाहत की और क्या कहा कि फ़ौज किसी को एन आर ओ देने की पोजिशन में नहीं है। पाकिस्तान में अब कोई मार्शल लॉ नहीं आएगा। न्यूट्रल का लफ्ज़ फ़ौज के किरदार को बयान नहीं करता है। फ़ौज डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम का बहुत बड़ा टारगेट है। फ़ौज में किसी किस्म की तकसीम नहीं है। अच्छा, उन्होंने एक बात और वाजे की कि आर्मी चीफ तौसी नहीं चाहते हैं। और डी जी आई एस पी आर ने बहुत सी बातों की वजाहत करते हुए ये जो शकूक व शुबात के बादल हैं उनको ख़त्म कर दिया। अच्छा, इमरान खान भी बहुत से शकूक व शुबात दूर करने के लिए अवामी अदालत में उतर चुके हैं और उन्होंने पेशावर में जो जलसा किया है, बहुत से तजियाकार इस जलसे को बहुत बड़ा जलसा भी करार दे रहे हैं। इमरान खान अब एक बार फिर से कह लें कि अवाम में आ चुके हैं और वो अवाम में अपने बयानियों को फैलाते चले जा रहे हैं। ज़रा सुनिएगा जी। तो सुना आपने इमरान खान को, उन्होंने आवाम से बहुत बातें की, अदालत से भी कई सवाल पूछे। क्या कहा कि मैंने आज़ाद अदलिया के लिए जेल काटी है, मैं अदालत से पूछता हूँ कि रात के अंधेरे में अदालत क्यों लगाई, मौजिज जजेस मुझे जवाब दें कि मैंने क्या जुर्म किया था कि आपने रात के 12 बजे अदालतें लगाईं। इमरान खान ने बैरूनी साजिश पर बात करते हुए कहा कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान में ड्रोन हमले किए तो नवाज शरीफ के मुँह से आवाज़ नहीं निकली क्योंकि ये अमरीका के ग़ुलाम हैं, लेकिन अमेरिका ने कहा कि अगर इमरान खान ना रहे तो तमाम गलतियां माफ़ कर देंगे। अमरीकियों सुन लो, हमें तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। अमरीकियों, हमें तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। तुम होते कौन हो? तुम्हें शरीफों जरदारियों की आदत पड़ी हुई है। अच्छा, इमरान खान ने यह भी कहा कि हमें अमरीकी ग़ुलामों के खिलाफ बाहर निकलना है। जब भी कोई वज़ीर आज़म हटाया जाता था तो पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी जाती थी, मगर जब मुझे हटाया गया तो सारी कौम पूरे मुल्क के तमाम शहरों में सड़कों पर निकली। आपने मुझे इज़्ज़त दी, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा, साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि ये लोग समझते थे कि अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम कर लेगी। कौम ने अपना फ़ैसला सुना दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। आज कौम ने फ़ैसला करना है कि हम अमरीका के ग़ुलाम बनना चाहते हैं या हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। अमरीकियों ने बड़े डाकुओं को मुसल्लत करके मुल्क की तौहीन की है। हम गैरों की हुकूमत को नहीं मानते। ये बाहर से मुसल्लत शुदा तमाम लोग ज़मानतों पर बाहर हैं। शहबाज शरीफ, उसका बेटा ज़मानत पर है, सारा शरीफ खान ज़मानत, जो शरीफ ख़ानदान है वो ज़मानतों पर है, और शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए की जो करप्शन उसके केसेस भी हैं। अच्छा, इमरान खान ने नवाज शरीफ पर भी तनकीद के खुलकर नश्तर चलाते हुए कहा कि नवाज शरीफ, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है। नवाज शरीफ समझ रहा था कि उसे एन आर ओ मिल जाएगा, पहले मुशर्रफ ने एन आर ओ दिया, अब समझ रहे थे कि इन्हें मिल जाएगा। किसी गलत फहमी में नहीं रहना, हम और पूरी कौम तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब इमरान खान हार मानने को तैयार नहीं है, जबकि कैप्टन सफदर कहते हैं कि इमरान खान हारे हुए शख्स हैं। सुनिएगा कैप्टन सफदर को। जी, तो सुना आपने कैप्टन सफदर को, वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान हारे हुए शख्स हैं, वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं, वो मेहमान अदाकार के तौर पर आए थे, उन्होंने मुल्की मईशत और रिवायात को धचका दिया है। अच्छा, कैप्टन सफदर जरदारी और बिलावल की तारीफ़ों का पुल बांध रहे थे कि जी मेरा उनसे सिर्फ हुकूमत का ही नहीं रिश्ता, बल्कि वो तो दामादों की एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और बिलावल मेरे लिए काबिल एहतराम है। बिलावल के नाना ने 73 के आइन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, बिलावल की माँ ने लियाकत बाग में गोलियाँ खाकर जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। किसी पार्टी का भी लीडर हो उसको इज़्ज़त देनी चाहिए। अच्छा, नून लीग अपनी बदतरीन मुखालिफ पीपल्स पार्टी को तो इज़्ज़त दे रही है, लेकिन नैब को मज़ीद इज़्ज़त देने के लिए तैयार नहीं है। और शाहिद ककान अब्बासी, वो कई बार नैब के खात्मे की बात आपको पता कर चुके हैं, और मुतहदा हुकूमत भी अब नैब को ख़त्म करने के लिए काम शुरू कर देगी, क्योंकि मुतहदा हुकूमत के बकौल नैब का जो रवैया है वो जानिबदार है, लेकिन चेयरमैन नैब जानिबदारी के इल्ज़ाम मुस्तरद कर रहे हैं। ज़रा चेयरमैन नैब का क्लिप चलाइएगा। सुना आपने चेयरमैन नैब को, वो कह रहे हैं कि जी हमारी किसी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं है। यानी चेयरमैन नैब ये कहना चाहते हैं कि नैब आज़ादाना तौर पर काम कर रहे हैं,
वो हर किसी का एहतसाब करता है, चाहे किसी का ताल्लुक किसी भी जमात से क्यों ना हो। चेयरमैन नैब भी कहते हैं कि कोई मुझे ये बता दे कि मैं आज तक किस सियासतदान से मिला हूँ। और तो और, नैब के कानून में तब्दीली से मुतालिक चेयरमैन नैब ने कहा है कि नैब के कानून में तरामीम के लिए ज़रूरी है कि ज़ाती मुफादात को मद्देनज़र ना रखा जाए, मैं अपने हर काम में अल्लाह को जवाब दूँ। अब देखा जाए तो चेयरमैन नैब ये बताना चाहते हैं कि नैब एक आज़ाद इदारा है जो किसी भी दबाव का शिकार नहीं है, लेकिन नून लीग के अराकीन मुसलसल नैब को ख़त्म करने के अलावा नैब के अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। अरे दबाव से मुझे एक और बात याद आई, अयाज सादिक साहब ये कह रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ के अराकीन पर ज़बरदस्ती ऐवान में इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव डाला जा रहा है और ये दबाव किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। ज़रा अयाज सादिक की ज़बानी सुनिएगा क्या कह रहे थे वो, चलाइएगा क्लिप। अच्छा जी, अयाज सादिक क्या कह रहे हैं कि जी डेप्यूटी स्पीकर ने 15 तारीख तक अपने खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग का स्केड्यूल ना दिया तो आला अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ज़बरदस्ती इस्तीफे लेकर कासिम सूरी के पास जमा कराए हैं, इस तरह इस्तीफे कबूल नहीं किए जा सकते, ये इस्तीफ़ा ना देने वाली बात है। असम्बली अमले को मजबूर किया जा रहा है कि बग़ैर किसी नोटिंग और शराइत पूरी किए इस्तीफे ले लिए जाएं और हर मेंबर को ज़ाती हैसियत में आकर स्पीकर के सामने इस्तीफ़ा लिख कर देना होता है। अच्छा, याज सादिक ने एक दावा भी किया कि तहरीक इंसाफ के लोगों से उनका रबता हुआ और उनका ये कहना है कि हमसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया है। अब दूसरी जानी फ़ारूक हबीब, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि तहरीक इंसाफ के 123 अराकीन कौमी असम्बली हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। क्या कह रहे थे फारूक के जी, कायम मुकाम स्पीकर कासिम सूरी ने पीटीआई अराकीन के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं, कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इस्तीफ़ों की मंजूरी का बकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और ज़राए कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने भी 123 अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने की तस्दीक कर दी है। अच्छा, फारूक ने एक मुतालबा भी किया, मुतालबा ये कि जी इस्तीफ़ों की मंजूरी के बायस मुल्क में आम इंतखाबात नागुजीर हो चुके हैं। कायम मुकाम स्पीकर कासिम सूरी ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि मुझे 125 अराकीन के इस्तीफ़े मौसूल हुए जिनमें से 2 अराकीन के इस्तीफ़ों की तस्दीक नहीं हो सकी है, लिहाजा 123 जो बचे 123 अराकीन उनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं। अब नाज़िर अगर देखा जाए तो ये उल्टा सा मामला हो गया ना, उल्टा मामला। एक वक्त था जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी और वह असम्बली से इस्तीफ़ा देना चाहती थी और नून लीग का यही मौक़िफ पीडीएम में दराड़ का सबब भी बना था। नून लीग के 2 अराकीन असम्बली के इस्तीफ़े उस वक्त के स्पीकर असद कैसर को भिजवा दिए गए थे, आपको याद होगा, और दोनों अराकीन असम्बली ने असद कैसर के पास जाकर इस्तीफ़ा कबूल ना करने की दरख्वास्त की थी। और अब अयाज सादिक भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं कि जी उनकी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई जो इस्तीफ़ा देने में दिलचस्पी ही नहीं रखते, लेकिन तहरीक इंसाफ मुनहरिफ जो अराकीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में दिलचस्पी ज़रूर रखती है। अब खबर क्या है, इमरान खान ने मुनहरिफ जो अराकीन हैं उनकी ताहयात ना अहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि अपनी जमात को छोड़ने और पैसे लेकर फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अराकीन आइन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि जमात की पॉलिसी पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 63A के मुताबिक कार्रवाई होती है। पार्टी टिकट पर इलेक्शन जीतकर आवाम के वोट को बेचा नहीं जा सकता है। अच्छा, मतन में मजीद कहा गया कि जी पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अराकीन असम्बली को ताहयात ना अहल करार दिया जाए, जो भी रुकन पार्टी को छोड़ना चाहता है वो पहले असम्बली रुकनियत से इस्तीफ़ा दे, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उसकी हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म की गई है। और शौकत तरीन भी यही बात कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को, वो क्या कह रहे हैं कि जी अपोजिशन को पता था कि अगर पीटीआई हुकूमत बरकरार रही तो उनकी गेम ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इमरान खान को हटाया गया। पीटीआई दौरे हुकूमत में 5 मिलियन नौकरियां फरहम की गईं, कामयाब जवान और सेहत कार्ड सबसे बड़े प्रोजेक्ट थे, हुकूमत बरकरार रहती तो यह वादा पूरा हो जाता और अपोजिशन को पता था कि उनकी गेम ख़त्म हो जाएगी इसलिए इमरान खान को हटा दिया गया। लेकिन इस खेल के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है उस पर पीटीआई को एतराज़ है कि बैरूनी कुव्वतों का साथ देकर जमहूरियत पर हमला किया गया, गैर जमहूरी रिवायात को फ़रोग दिया गया। अच्छा, पीटीआई का ये दावा सियासी हो सकता है लेकिन जो अवामी फैसला है वो हरगिज़ गलत नहीं होता। जो अपने वोट से गलत खेलने वाले खिलाड़ी को मैदान से बाहर बिठा देते हैं और कहते हैं कि जी अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तखार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क में गूंजती काफी बातों की वजाहत की है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तजिया कार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी बातों की वजाहत कर दी है। खत के बारे में उन्होंने कहा है कि जी कौमी सलामती कमेटी इजलास के इलामिया में साजिश का लफ्ज़ शामिल नहीं है, मगर कमेटी के इलामिया में जो कहा गया है उन बातों पर सब मुत्तफिक हैं। तो इसका मतलब बैरूनी मुल्क से हमारे मुल्की मामलात में मुदाखलत की कोशिश की गई, जिसको कौमी सलामती कमेटी ने नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया था, क्या कहेंगे? जी हाँ, उन्होंने लफ्ज़ साजिश तो नहीं जो एलानिया में जो था उसमें जिक्र नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जबान इस्तेमाल की गई है, वो सफारती जबान नहीं है और उसके अंदर धमकी एक जो है वो छुपी नजर आती है और इसीलिए फिर उन्होंने वहाँ से अम्बेसी से बुलाकर उनको प्रोटेस्ट के तौर पर ख़त भी दिया इस सिलसिले में कि आपने ये जो किया है ख़त हमें नामंजूर है, हम प्रोटेस्ट करते हैं इस किस्म के कम्युनिकेशन पर और इस किस्म के ख्यालात पर। अच्छा ठीक है। अच्छा जनरल साहब, जैसा कि फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि जी फौज डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम का बहुत बड़ा टारगेट है, इसमें पड़ोसी मुल्क में भी अपना किरदार अदा करता है, हमारे लोगों को इसका आलाकार नहीं बनना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने, ये बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे ख्याल जो पिछले एक हफ्ते 10 दिन से मुल्क में घूम रहे हैं कि जी कुछ हेलीकॉप्टर आके प्राइम मिनिस्टर हाउस में उतर गए, कुछ ने कहा दबाव डाला गया, उसने कहा जी किसी ने कोर्ट खुलवा दिए, किसी ने कहा जी फौजी ट्रक मूव कर रहे हैं, मार्शल लगने वाला है, किसी ने कहा यह सारा खेल तमाशा जो है, अपना आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, उसलिए ये सब कुछ होता रहता है। तो इस किस्म की सारी अफवाहें चल रही थी और उन्होंने उन सब का खातिर साथ तसल्ली बख्श दलाइल के साथ बहुत अच्छा जवाब दिया है और इसमें कोई शक नहीं कि फौज के खिलाफ एक कंपेन शुरू है, हाइब्रिड वॉरफेयर फिफ्थ जनरेशन वॉर शुरू है और उसमें हमारे लोग बगैर सोचे समझे जो भी उनको कोई पोस्ट आ रही है उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। खुद ही अपनी फौज के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ, अपने अदारों के खिलाफ जो है वो ऐसी फिजा पैदा कर रहे हैं जिससे मुल्क कमज़ोर होगा, जिससे मुल्क में सबके अदारों से एतबार उठ जाएगा। तो ये सारी बातें उन्होंने आज की हैं और ताकि ये कौम से ये जो इबहाम है वो दूर हो जाए और कौम को पता चल जाए कि फौज का कोई रोल नहीं है, ना मार्शल लगाने का इरादा उस रोज था 9 अप्रैल को 10 को, ना अब है, ना फौज के इरादा सियासत में हिस्सा लेने का है, ना दखलंदाजी करने का है। ये और बात है कि सियासतदान खुद दरवाज़ा खटखटा कर कोई दरख्वास्त करें कि हमारी बोलचाल बंद है दूसरी पार्टी से, ट्रेजरी बेंच से, आप बरए मेहरबानी उनको ये पहुँचाने पैगाम, यस यस जो है जी इस हवाले से उन्होंने बात की जाना साहब। हाँ हाँ, का इसलिए एज ए जो है मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाने के लिए आर्मी चीफ ने एक अपना मजबूत पॉजिटिव न्यूट्रल रोल अदा किया ताकि मुल्क में कोई मुल्क जमहूरी अंदाज से आगे चलता रहे, आइन की पासदारी भी होती रहे, जमहूरियत भी चले, कोई इस्तेकाम भी आ जाए, तो उन्होंने अपना रोल अदा किया। ये और बात है कि वो PDM को मंजूर नहीं थी वो बातें। अच्छा जरा सा, बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि फौज ने बड़ी बार कहा कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, सियासत से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हमेशा ये सियासतदान ही फौज को घसीट लाते हैं दरमियान में, कभी कोई पार्टी कभी कोई पार्टी, जिस पे दुख ही किया जा सकता है। अब हमारे जो सियासी रहनुमा हैं अपने बयान से किसी ना किसी मामले में फौज को शामिल कर लेते हैं, और ये मतलब मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रही, जिस जमात को लगता है कि कुछ गलत हो गया तो वो फौज पे तनकीद शुरू कर देती है। अब ये फजलुर रहमान साहब, इन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ज़्यादातर तनकीद ही की है, बयानबाजी की है, अब इस चीज़ को रोका कैसे जाए, रोका कैसे जाएगा? देखिए, कोई गैर जिम्मेदारी की बात करता है तो सियासतदान या कोई और जिम्मेदार आदमी किसी इदारे के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ या फौज के खिलाफ, तो उसको उसके उसको जवाबदेह होना चाहिए, उसे पूछना चाहिए क्या आपके पास दलायल हैं, क्यों आप ये बात कर रहे हैं। अगर वो झूठ अफवाहें फैला रहा है या इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये काम बंद हो और अपने इदारों को बदनाम करना हम छोड़ दें और जिम्मेदारी का एक एटीट्यूड और रास्ता अख्तियार करें। ये ज़रूरी है मेरे ख्याल से इस काम के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।
ताकि बाकियों के लिए एग्जाम्पल सेट हो। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है। ऐसे जनरल साहब, मौजूदा हालात को देखते हुए, जिस तरह इमरान खान का बयानिया है कि जी बैरूनी ताकतों ने उनको हटाया और वो कहते थे पैसा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो अब आप हालात को किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखिए, बैरूनी ताकतें जो होती हैं, जिनकी हमारे मुल्क में दिलचस्पी होती है फॉर वट एवर रीज़न, वो कोई ना कोई अपना सियासतदानों से रबते रखती हैं, और इसमें कोई शक की बात नहीं। कोई सियासतदान और कोई पार्टी जो होती है उनकी पसंदीदा भी होती है, वो समझते हैं उनके लिए ज़्यादा सूदमंद है या फ़ायदेमंद है, और वो उनकी पॉलिसियों के साथ मिलकर चलेगी, तो उसको वो खुफिया सपोर्ट भी देते हैं, उसको लुक आफ्टर भी करते हैं। तो सारा साल से हो रहा है, सारे ममालिक ये काम करते हैं जो पाकिस्तान में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन ये बहुत ब्लेटेंट और इसको सामने खुलकर नहीं होना चाहिए। अब ये भी आप देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आते थे बाहर के जो जिम्मेदार मुजरा या कुछ दूसरे VVIP, तो वो सिर्फ जो था जो सरकार के वजीर होते थे, हुकूमत के सदर या वजीर आज़म से मिलकर चले जाते थे। बाद में उन्होंने अपोजिशन लीडर से मिलना शुरू किया, बाद में दूसरी पार्टी से मिलना शुरू किया। अब ये ज़रूरी हो गया कि जो भी बाहर से आता है वो आर्मी चीफ को भी ज़रूर कॉल करता है, तो उससे फिर लोग ये इंप्रेशन लेते हैं कि शायद फौज सियासत में इन्वॉल्व हो रही है, या वो लोग ये समझते हैं कि फौज जो है वो सब काम पीछे बैठ के चलाती है। तो ये इन तमाम चीज़ों का आस्ता आस्ता इसका असर ज़ाहिर करना ज़रूरी है, और सियासतदानों को जिम्मेदारी के साथ अपना काम संभालना चाहिए, और उनके बाहर वालों के साथ भी डील करना चाहिए, और मुल्क के अंदर भी इस्तेकाम लाना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल जनरल साहब, अब ये जो पूरी सूरत हाल है, जैसा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी चीज़ें वजाहत से उन्होंने बयान कर दी, ये जो फौज के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम की जा रही है, साजिश कह लें, प्रोपोगेंडा कह लें, और ये पड़ोसी मुल्क से किया जा रहा है, तो हमारी जो कौम है उसको समझदारी का कितना मुजाहरा करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन, जारी बात है पड़ोसी मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क है, वो तो कैश करवाने की कोशिश करता है हर सिचुएशन में, लेकिन हमारी कौम ने अब मैच्योर कौम के तौर पर, समझदार कौम के तौर पर प्रैक्टिकली कैसे साबित करना है, हम सब ने एक होकर एक मुँह तोड़ जवाब देना है पड़ोसी मुल्क को? देखिए जी, ये खाली पड़ोसी मुल्क का काम नहीं है, इसमें और बहुत से ममालिक इन्वॉल्व हैं, और इसमें बहुत से ममालिक जो पाकिस्तान की इस्तेकाम सियासी नहीं चाहते, माशी नहीं चाहते, जो पाकिस्तान में एक मजबूत फौज देखना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी और चलिए जनरल साहब, उन सब ममालिक को एक मुँह तोड़ जवाब, हमारी कौम ने कैसे किरदार करना है कि हम सब तो एटलीस्ट एक पेज पर हो? कौम को थोड़ा अक्ल से काम लेना चाहिए, और ये नहीं कि कोई भी इस तरह पोस्ट आ रही है तो उसको आगे अपने दोस्तों में आगे उसको चला दिया जाए। सोचें कि ये हमारे मुल्क पे उंगली उठा रहे हैं, फौज पे उंगली उठा रहे हैं, ये गलत काम है। आप अपने मुल्क के खिलाफ कभी काम इस तरह उसके बिना सोचे समझे जो है एजेंट नहीं बन जाते उनके, तो ये बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं लोग जो भी ये काम करें। बाकी ये बात यह है कि सियासी लोग जो हैं, जो सियासी लीडर्स हैं, वो भी अपने पार्टी के लोगों को, वर्कर को सख्ती से रोकें कि खबरदार फौज के खिलाफ नारे लगाए, अदालतों के खिलाफ नारे लगाए, जिसके खिलाफ नारे लगाए, बाकी दलों के खिलाफ नारे लगाए, उनको भी कंट्रोल करना चाहिए अपने वर्कर्स को। ठीक है, वो तो उनकी उनके बहुत से लोगों की तकलीफों से तो उनको और शाय मिल रही है, वो खुद भी इसमें शरीक हो रहे हैं, दुश्मन के साथ जो पोस्टें चल रही है यहाँ से वहां फैला रहे हैं, खुद भी पोस्टें दिख रहे हैं, ये बंद होना चाहिए काम, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए बहुत तक। ठीक है जी जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन इमरान रियाज खान। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करेंगे मुत्तहिदा और हुकूमत बमुकाबला इमरान खान, इस मैच में कौन कामयाब होगा, अब तक किसका पलड़ा भारी है, सब जानना चाहते हैं। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तजियाकार इमरान रियाज खान। इमरान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान खान, जो इमरान खान साहब का पेशावर में पावर शो हुआ, जहां मुझे लगता है कि वाकई बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे थे, सहाफ़ी ख़ास तौर पर, कि जी इतने बंदे थे, इससे ज़्यादा बंदे नहीं थे, और शायद वो जिस तरह पीछे से तस्वीर लेते हैं तो वो लगता है कि शायद लोग कम हैं। तो मुझे एक चीज़ से बड़ी हैरानी
बनी हुई इमरान, के सहाफी का काम होता है खबर देना, रिपोर्ट करना, पार्टी बनना नहीं, कि अगर किसी को इख्तलाफ भी है तो वो एटलीस्ट हकाइक पे मबनी खबर दे कि जी ये लोग हैं, इतना बड़ा जलसा है, इतना बड़ा जलसा नहीं है, उसको कम करके बताना दिखाना, ये चीज मुझे कभी समझ नहीं आई। देखिए इससे फर्क अब पड़ेगा नहीं, एक वक्त था जब इससे फर्क पड़ता था, अब इससे फर्क पड़ेगा नहीं। अब मामला जो है वो सोशल मीडिया पे है और लोग खुद फैसला करते हैं कि ये बड़ा था या छोटा था, तो वो लोग खुद ही फैसला कर लेंगे। अगर किसी की बात में लोगों को लगेगा ये झूठ बोल रहा है या बोल रही है, तो लोग उसकी क्रेडिबिलिटी हिट हो जाएगी। अगर लोगों को लगेगा कि ये सच बोल रहा है या सच बोल रही है, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी हिट नहीं होगी। ये वो टाइम नहीं जब अकेला जियो टीवी था या दो तीन टीवी और थे जिनकी बुनियाद के ऊपर लोग किसी जलसे के बड़े या छोटे का फैसला करते थे। अब तो टीवी भी बहुत सारे, इसके अलावा सोशल मीडिया भी है। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का नौजवान आराम से छत पे चढ़ के वीडियो बनाता है और वो पॉलिटिकल पार्टी खुद वीडियोस बनाती है और बना के डाल देती है। फ्लॉप जलसा होता है, लोगों को पता चल जाता है, फ्लॉप नहीं होता, लोगों को पता चल जाता है। कोई क्या कहता है इससे लोगों को नहीं पड़ता, इससे फर्क उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी को पड़ सकता है, लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं आज तक। ठीक है, ठीक है। अच्छा इमरान, अब ये जो आज पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, तो अब जो सियासी हालात हैं वो आप किस सम्प में जाते देख रहे हैं? क्या हुकूमत ज़मीनी इंतखाबात करवाएगी या फिर इमरान खान अभी जलसों और ये प्रेशर की वजह से ये जो बात है ये नए इलेक्शन की तरफ खुद लेकर जाना चाह रहे हैं कि बस अब ये प्रेशर इतना हो या आवाम जिस तरह उनके साथ है, उनका ये मानना भी है, उनको यकीन है, तो ये इलेक्शन की तरफ बात जाए? देखिए जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट अब बनी है उस गवर्नमेंट को सपोर्ट तो मिलना शुरू हो गई है, वो आपको नज़र आ रही है। अब बैरूनी सपोर्ट उनको मिल जाएगी इमरान खान को फारिग करने के लिए। देखें इसके प्लान के तीन हिस्से थे, नंबर एक इमरान खान को निकालना, नंबर दो अपनी इंपोर्टेड गवर्नमेंट को लाके इंस्टॉल करना, और नंबर तीसरा जो हिस्सा था वो ये था कि इमरान खान को हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर देना। अभी इस वक्त जो है वो पहले दो मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। पहले मरहले में इमरान खान को निकाला जा चुका है, दूसरे मरहले में जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट है उसको लाकर बिठा दिया गया है, तीसरे मरहले में इमरान खान को पैरालाइज करना है जिसके बाद ये वापस सियासत में ना आ सके। अब इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है और आज आपने देखा ना कि मईशत के ऊपर भी कहीं से बात हुई, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है, और ये तासर एक पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की जानिब से या उनके चाहने वालों की जानिब से कि स्टेबिलिटी ये हुकूमत लेकर आई है और इस हुकूमत की तारीफें होना शुरू हो गई हैं। आप आने वाले दिनों में ये देखेंगे कि इमरान खान के खिलाफ शिकंजा कस दिया जाएगा फॉरन फंडिंग केस का, वही केस जो है वो पीपल्स पार्टी पे भी है और पीएमएलएन पे भी है। अगर तीनों का फैसला करें तो फिर तो पीटीआई से पहले वो दोनों जमातें फारिग हो जाती हैं, उनके तो मामला भी बहुत गंदे हैं। लेकिन फॉरेन फंडिंग के अंदर इमरान खान साहब को अभी डराया धमकाया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि या तो चुप करके बैठ जाओ, हमारे मुताबिक चलो, नहीं तो पर काट देंगे और हमेशा के लिए फॉरेन फंडिंग केस के अंदर आपकी पार्टी को फारिग कर देंगे। तो अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि इमरान खान को पैरालाइज करना है ताकि दोबारा वो कभी इक्तदार में आ ना सके, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, देखना है कि इमरान खान कितनी मुजामत कर पाते हैं। अच्छा इमरान, मैं सुन रही थी वैसे ये बात, मतलब बहुत ज़्यादा एक संजीदा बात तो नहीं, लेकिन देखा जाए तो एक लिहाज से संजीदा भी है कि जी इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो जी जब सहाफ़ी वहाँ पे जाते थे, कुछ जाता था तो चाय का कप मिलता था, कई बार चाय भी नहीं पूछते थे, और अब जब शहबाज़ शरीफ साहब आए हैं तो जी आते ही सहाफ़ियों को एक इफ्तार डिनर दे दिया गया, तो इस बारे में कंपैरिजन किया जा रहा था, तो कुछ लोगों की राय है कि जी एक इफ्तार डिनर से क्या फ़र्क पड़ता है, और दूसरा अगर वो चाय नहीं पिलाते थे तो सिर्फ इमरान खान साहब के ऐसा करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक नीचे वाले भी इस चीज़ को फॉलो ना करें, नीचे तक अगर करप्शन हो रही हो, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर हाउस में चाय तक बात हो रही हो, खाना नेक पूछा जा रहा हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका इसमें क्या राय है? देखें इमरान खान की पौने चार साल की हुकूमत के बाद इस अपोजिशन के पास सिर्फ, जो अब हुकूमत में है उनके पास सिर्फ एक नाम है फरा गुजर का, और उसका भी कोई सबूत इनके पास नहीं है कि उसने करप्शन की और वो रंगे हाथों पकड़ी गई है, उसके करप्शन के कोई सबूत लें और लाके बताएं जनाब ये उसने करप्शन की। अगर तीन साल और आठ महीने के बाद इनके पास सिर्फ ये है तो फिर तो इमरान खान पाकिस्तान का ईमानदार तरीन आदमी है, अगर पौने चार साल उसकी हुकूमत के बाद सिर्फ यही निकाल के लाए। देखिए उसके मुखालिफिन भी कहते हैं कि वो ईमानदार आदमी, पैसे वैसे नहीं खाता, ना उसका कोई इसमें दिल करता है, ना वो इन चीज़ों के चक्कर में है, उसकी गवर्नेंस के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो दुनिया ने इसकी तारीफ की कि उसने जिस तरीके से गवर्न किया पाकिस्तान को, मईशत को खास तौर पर, और मईशत के अलावा जिस तरह कोरोना में उसने डिलीवर किया, तो उसकी मिसाल पूरी दुनिया में एक दो मुल्कों के अलावा कहीं नहीं मिलती है। अब आ जाए बात ये जो नई हुकूमत बनी है। अच्छा इमरान, आप एक बात यकीन से कहते हैं कि इमरान खान साहब का जिस तरह का किरदार रहा है कि
ठीक है, लोग उनके बारे में बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं कि वो करप्ट नहीं है, लेकिन उनके नीचे जितने लोग काम करते रहे, जैदी बात सिर्फ इमरान खान नहीं, उनकी पूरी टीम थी, तो क्या उनकी टीम भी इमरान खान की तरह ही काम करती रही, या आप यकीन से कह सकते हैं? एक आदमी जो है ना, वो जब खुद ठीक काम करता है तो रफ्तार रफ्तार सब ठीक हो जाते हैं। आपको ऊपर से तब्दीली लानी पड़ती है, नीचे से तब्दीली आती नहीं है, तब्दीली ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। कम से कम अगर वो आदमी कहता है कि यार मैं तो ये क्या नहीं करता, सस्ते में आई ये तब्दीली किस हद तक आई, कितनी परसेंटेज आपको लगता है कि आई थी ये साढ़े तीन साल पौने चार साल में? आप मुझे मेगा स्कैंडल बताएं कौन से हैं इस हुकूमत के, मुझे कोई गिनवाए ना जिसके अंदर साबित हो गया हो कि इन्होंने करप्ट किए। ये इस हुकूमत के मेगा स्कैंडल सिर्फ वही है जिनको इमरान खान ने पकड़ा है। मजे की बात देखें, ठीक है। अच्छा इमरान, फौज के तर्जुमान ने, डीजी आईएसपीआर ने कहा है कि जी कौमी सलामती कमेटी के एलामिए में साजिश का लफ्ज शामिल नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बयान के बाद इमरान खान के बयान को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साजिश का लफ्ज शामिल नहीं है। देखिए, अगर साजिश का लफ्ज शामिल कर देते तो फिर सारी पोलिटिकल पार्टी को जेल में डालना पड़ता या साजिशियों को पकड़ना पड़ता फौरी तौर पर। साजिश जो होती है ना, उसको पकड़ना पड़ता है, उसको साबित करना पड़ता है, उसके लिए तहकीकात करनी पड़ती है, कमीशन बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए तरीके इंसाफ कह रही है कि बनाए एक कमीशन और इस साजिश को पकड़े। साजिश पकड़ी जाती है, ऐसा नहीं होता कि साजिश जो है वो ये बैरूनी मुदाखलत थी। देखिए, मेरे खिलाफ या किसी के खिलाफ भी, आपके खिलाफ भी कोई बाहर से मुदाखलत होगी तो आप ये कहेंगे मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अब उसके ऊपर इंक्वायरी होगी तो चीजें क्लियर होगी ना। देखिये, क्या आज DGISPR ने यह कहा कि कोई बैरूनी साजिश नहीं थी? देखिए, सवाल यह है, अगर उन्होंने ये कहा कि साजिश का लफ्ज उसमें नहीं लिखा, तो क्या उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश थी ही नहीं? वो ये कह सकते हैं कि हम ये यकीन से कहते हैं कि बैरूनी साजिश नहीं थी, क्योंकि वो इसलिए नहीं कह सकते कि उन्होंने इसकी इंक्वायरी नहीं की, वो इसलिए नहीं कह सकते कि इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बना। अभी तक मेमो गेट तर्ज का कोई कमीशन नहीं बना, इसका फैसला नहीं हो पाया, लिहाजा ये एक बैरूनी मुदाखलत है और ब्लैटेंट बैरूनी मुदाखलत का वर्ड इस्तेमाल किया था इन्हीं सब साहिबान ने, और इस्तेमाल करके कौम को बताया था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हो रही है और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी भी सूरत में इसको ना सिर्फ इसकी मजम्मत करता है बल्कि इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज इमरान खान साहब के बयानिए को एक्चुअली आप लोग तस्वीर में एक रुख देख रहे हैं, DGISPR ने इमरान खान साहब के बयानिए को तकवीयत दी है और उनके बयानिए को तस्दीक की है, ठीक है। अच्छा इमरान, मुत्तहिदा हुकूमत की मैं बात करना चाहूंगी, तो अभी तक विफाकी काबीना का फैसला नहीं हो सका है। पीपल्स पार्टी और एमकेएम पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल होने से बकायदा, अगर मैं हिचकचाहट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो पश्चात अग्री करें, हिचकचा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह आपको नजर आती है कि क्या मतलब जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है बड़े स्मार्ट हैं, स्मार्ट मूव के माहिर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, तो आपको लगता है कि बस ये चाहते हैं कि फ्रंट पर शहबाज शरीफ साहब भी रहें और आगे इलेक्शन बहरहाल होने हैं, जल्दी नहीं होते तो थोड़ी देर से हो जाएंगे, तो वो मतलब आना नहीं चाह रहे आगे पीपल्स पार्टी वाले के वोट बैंक हमारा मुतासिर ना हो, आगे शहबाज शरीफ ही रहे ताकि जो नुकसान हो इलेक्शन में नून लीग को हो जाए, आपको ये लगता है? जो पब्लिक का रिएक्शन आया ना संडे को, उसने सारा सिनेरियो तब्दील कर दिया। एमकेएम कभी भी कराची के जलसे से पहले कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी। वो ये चाहते, उनको पता है कि अगर वो आज काबीना ज्वाइन कर लेते हैं तो कल कराची के अंदर वो होगा, लोग रिएक्शन दे देंगे बहुत बड़े पैमाने पर। वो कराची के जलसे से पहले कभी भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। अल्टीमेटली इनको बनना तो पड़ेगा, लेकिन ये सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है कि हम इस काबीना का हिस्सा बने और हमारी बदनामी और बेइज्जती कम से कम हो। पब्लिक रिएक्शन देख के सियासतदान फैसला करते हैं, और पब्लिक का जो एकदम खुदकार किस्म का रिएक्शन आया ना, वो बहुत बहुत अलार्मिंग है, घंटी बज रही है हर तरफ। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।